हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऊन से वूलन स्लीपर बूटीज़, आप इसको सॉक्स भी कह सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो ऊन ली है वो मेरी 3 प्लाई की है। आप 4 प्लाई की वूल लेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके लिए मैंने लिया है 4 mm का अपना हुक। आप अपने वूल के हिसाब से भी अपना हुक ले सकते हैं, लेकिन जितना मोटा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्लिप स्टिच किया और चेन बनाई 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे को चेन बनानी है। तो मैं 40 तक बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 40 हो गए स्टिचेस। इसमें मैं एक और एक्स्ट्रा कर रही हूँ। और जो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टिच है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। थोड़ा लूज ही बनाना है क्योंकि मेरी वैसे भी वूल जो है थोड़ी पतली है। अगर मोटी वूल हो तो आप थोड़ा, क्योंकि स्ट्रेची होना चाहिए थोड़ा, तो आप अपनी ऊन के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरी रो में हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है लास्ट तक। तो मैं यहाँ तक लास्ट तक करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी चेन में अपने 40 सिंगल क्रोशेट कर लिए। अब हमारे को लास्ट में चेन 1 करना है, फिर टर्न करना है, वापस से हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। पहले सिंगल क्रोशेट में, फिर सेकंड में भी, नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट में भी। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे को पूरे 40 उसमें ही कंप्लीट करना है अपना सिंगल क्रोशेट के साथ में रो को। और इस तरह से मैं इसकी टोटल 16 रोज़ करूँगी। तो मैं ये 16 रोज़ कंप्लीट करके, इंक्लूड जो मैंने पहली करी है, तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट हो गया, 16 रोज़ कंप्लीट हो गई। तो अब करते हैं इसको चेन 1 और टर्न करेंगे और यहाँ पर फिर से बनाएंगे हम सिंगल क्रोशेट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इस तरह से हमने इसके 20 यहाँ पर स्टिचेस बना लिए, सिंगल क्रोशेट बना लिए। अब करेंगे फिर से चेन 1 और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच में एक बार अपने ऊन को लेंगे हुक के अंदर, फिर नेक्स्ट वाले में लेंगे और एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर रिपीट करेंगे सेम में, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल टाइम लेंगे, फिर एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर इस तरह से लेंगे सेम स्टिच में, फिर नेक्स्ट में। इस तरह से हमारे को जो हमने ये 20 स्टिचेस लिए हैं वो यहाँ तक करना है। तो मैं ये यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये अपना 20 स्टिचेस कर लिए कंप्लीट। और अब हमने लास्ट में इसके अंदर सेम स्टिच में ही फिर से एक सिंगल क्रोशेट करना है और चेन वन करना है, फिर नेक्स्ट में टर्न करके फिर से अपने हुक में ऊन को लेना है, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल टाइम, फिर क्लस्टर करना है, फिर रिपीट करना है, फिर नेक्स्ट में सिंगल टाइम लेना है, फिर क्लस्टर करना है, फिर रिपीट करना है, फिर नेक्स्ट में सिंगल टाइम लेना है और फिर क्लस्टर बनाना है। इस तरह से हमारे को ये 20 स्टिचेस में ये कम्प्लीटली हमारे को यही करना है और इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हम 13 रोज़ कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपनी 13 रोज़ कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी 13 रोज़ कंप्लीट। और हम इसमें वापस से एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और फिर चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और ये 20, क्योंकि हमारे इसमें हमने टोटल यहाँ पर जो स्टिचेस लिए थे वो टोटल लिए थे 41, तो एक एक्स्ट्रा बनाया था, तो यहाँ 20 हमने यूज़ कर लिए और आगे हमने 20 और ले लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक्स्ट्रा और बनाऊँगी मैं 21। अब जो पहला स्टिच है इसके अंदर हम बनाएंगे वापस से सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में भी बनाएंगे सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारे को ये पूरी चेन में सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो मैं यहाँ तक बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए हमारे 20 स्टिचेस हो गए। ये 20। अब आगे हमारा जो हमने ये 20 बनाए थे इसी में हमारे को वापस से अपने सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये हमें अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ को बनाने हैं। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से बनाने में ये यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। देखो ये फिर हो गया कंप्लीट हमारा। अब हमने करा चेन 1, फिर टर्न और वापस से सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। और ये हमारे को पूरी चेन में करना है। और मेरे को ये पूरी यहाँ हमने 16 रोज़ की थी और यहाँ पर हम 17 करेंगे, एक बढ़ा कर करेंगे बस। तो मैं अपनी ये एक रो तो कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो अब सेकंड रो कर रही हूँ और बाकी की 14 रोज़ 15 रोज़ और कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी कंप्लीट हो गया सिंगल क्रोशेट का रो लास्ट। और इसके बाद हम इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे। और ये देखिए ये इस तरह से प्रॉपर बन जाएगा। और इसके लिए जितनी आप मोटी ऊन लेंगे उतना बढ़िया बनेगा। और ये मेरी ऊन तो पतली है, तो इसलिए थोड़ा मुड़ भी रहा है। और वैसे आप प्रेस भी कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। और इसको ये जो मैंने बनाया ये मैंने अपने पैर के हिसाब से बनाया है, लेंथ भी मैंने अपने पैर के हिसाब से ली है। आप चाहे तो अपने पैर के मतलब पंजे के आगे का जो हिस्सा है उसको आप जितना आगे रखना चाहते हैं उतना उसके हिसाब से आप नाप लेके इसकी रोज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 13 की है, आप 14 भी कर सकते हैं, कम है तो आप 11 भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर जितनी यहाँ पर बनेंगी, जैसे 16 मैंने बनाई है, तो आप यहाँ पर एक बढ़ाकर बनाना, क्योंकि ये हमने एक लाइन पहले सिंगल क्रोशेट की भी ली है। चेन भी बनाई है तो इसलिए काउंट हो गई वो उसमें। तो इधर मैंने 17 करी, इधर मैंने 16 करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आगे बढ़े, देखिए ये मैंने ये ऑलरेडी इसका एक बनाया हुआ है। और ये देखिए क्योंकि मेरी ये पतली ऊन है तो इसलिए इसका जो शेप है आपको लग रहा होगा, मैंने पहन के देखा तो ये मुझको एकदम से कंफर्ट आ रहा है। आप इसको मोटी ऊन से, थोड़ा मोटी ऊन से बनाएंगे तो थोड़ा ये टाइट बनेगा और ये एक जगह ठहरा भी रहेगा। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है और आपको शेप भी दिखाई दे रही होगी प्रॉपर, और सेम एज इट इज़ ही मैंने इसको बनाया और इसको भी मैं वैसे ही बनाऊँगी। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमारे को, तो फ्रेंड्स जो मैंने ये स्लिप स्टिच किया था यहाँ पर उसी वाले जो मैंने वूल है उसकी जो लंबी टेल ले ली थी और उसी में मैंने नीडल डाल लिया। और अगर आपका कम ऊन बचता है तो वो भी कोई बात नहीं, अगर दूसरे कलर का भी बचता है तो आप स्लिप स्टिच करके छोड़ दीजिए और अपने नीडल में ये ऊन दूसरा वाला डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में ये देखिए बराबर फोल्ड करना है हमारे को। ये फोल्ड करके यहाँ से हम अपने ऊन को जो हमने यहाँ पर अपने सिंगल क्रोशेट्स बनाए थे तो उसमें से हमारे को उनको निकालना है। अगर आपकी बड़ी सुई, लंबी वाली सुई होगी तो वो एक ही बार में कई सारे फंदे कवर कर लेगी, और मेरी छोटी वाली सुई है तो इसलिए थोड़ा इसमें कम फंदे आते हैं। ऐसे करके हम इसको लेते चले जाएंगे। ऐसे ही हमारे को आगे भी इनको ऊन में ले लेना है हमारे को। वापस से लेंगे, देखिए ऐसे ही करते जाएंगे। और ऐसे लेके इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये हो गया। अब इसको हमारे को खींचना है, टाइट करना है। पूरा टाइट कर लेना है और बस इसको टाइट करके फिर जो नेक्स्ट वाला जो हमारा ये पोर्शन है इसके अंदर से हमारे को अपने ऊन को निकालना है। और एक बारी और इसको निकालेंगे और टाइट करेंगे। और अब इसी तरह से हमारे को वापस से इधर से निकाल के फिर स्टिच करना है। वो कोई बात नहीं है, अगर रह जाए तो उसको दोबारा हम स्टिच कर सकते हैं एक ही। इसीलिए मैंने ये इसका जो लास्ट में जो ऊन छोड़ा था वो काफ़ी लंबा भी छोड़ा था कि अगर कुछ रह जाएगा तो हम उसी में कवर कर लेंगे और वो थोड़ा फिर टाइट मतलब मजबूत भी हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे ही करना है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर कुछ रह जाए। तो चेक कर लेते हैं पहले एक बार। ये देखिए, वापस से लेकर आएंगे फिर से एक बार। ये भी, इसको भी थोड़ा बस इस तरह से हमारे को इसको वापस सिलते हुए यहाँ तक आना है। ये हमने लास्ट यहाँ से इसको सिल रहे हैं। अब वापस से इसको हम देखेंगे तो सीधा करेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसका जो किनारा है इस पे हम एक बारी इसको लेंगे ऊन को और फिर वापस से एक बार और सिलेंगे हम यहाँ से। अब हमारे को इधर की तरफ जो लूप है उसका एक पार्ट हमारे को उठाना है और उधर की तरफ से जो बाहर की तरफ को निकला हुआ है उस लूप को उठाना है और इसको फिर देखिए ऐसे सिलते जाना है। ये इधर से उठाया, एक उधर से उठाया। एक यहाँ से लिया, एक उधर से लिया इधर की तरफ और एक बाहर की तरफ। इस तरह से फिर यहाँ से लेंगे और फिर इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे को ये पूरा यहाँ तक सिलना है लास्ट तक। तो मैं इसको यहाँ तक सिलकर इसी तरीके से फिर आपको मिलती हूँ। ये ऑलरेडी मैंने एक पीस इसका बनाया हुआ है, ये देखिए ये ऐसे ही सिला हुआ है। ये देखिए तो मैं यहाँ तक सिलकर आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिल लिया। ये देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा ये पोर्शन रह गया है इसको स्टिच करेंगे हम। हाँ तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। थोड़ा मोटिवेशन में भी मिलता है और बहुत मेहनत भी लगती है वीडियो को बनाने में। अब इसको हमारे को सेम एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट में सिला है वैसे सिलना है। एक पार्ट यहाँ का, एक पार्ट दूसरी साइड का लेना है स्टिच का। वापस से इस साइड से लेंगे, फिर ऐसे इस तरह से मेरे को यहाँ तक सिलना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में ले लेते हैं इसको। एक बारी और टाइट कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको अंदर से सेव कर देंगे। चाहे तो आप इसको यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से इसको सेव करते जाइए क्योंकि सेम कलर का है तो कुछ पता भी नहीं लगने वाला। कोशिश करिएगा कि सेम कलर का ही वो ऊन लें इस पोर्शन में जिस चीज़ को भी बना रहे हैं। तो मैं इसको बाद में कट करूँगी, अभी नहीं। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए और ये देखिए एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। मैंने इसको पहन के भी देखा है, ये बहुत कंफर्ट है। और आप इसको 4 प्लाई की वूल से भी बना सकते हैं और 3 प्लाई से भी बना सकते हैं, कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन फिर भी 4 प्लाई से थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने इसको ये देखिए ये आ गया। अभी मैंने निडल कट नहीं करा इसमें से, ये वाला हमने अभी बनाया है क्योंकि लूज़ है और इसका ये वाला पार्ट बनाया है। और अगर आप चाहें तो इसको जो हमने पंजे के लिए बनाया था तो आप इसको चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें रोज़ जो मैंने 13 रोज़ बनाई है आप 14 भी कर सकते हैं, अपने पंजे के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं। किसी छोटे के लिए बना रहे हैं तो भी कम कर सकते हैं। ये देखिए और इसका सेकंड पार्ट ये रहा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ये सॉक्स बूटीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जल्दी एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन तब तक के लिए बाय बाय।